हेलो एवरीवन। तो भाइयों और बहनों, एक और पोस्टर डिजाइन के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस मूवी का पोस्टर बनाने वाला हूं जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मूवी रिलीज होगी। और फाइनली उस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैं यहां बात कर रहा हूं पठान मूवी की। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा? अगर देखा है तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो आई थिंक ज्ञानवादी ज्यादा हो चुकी है, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे फोटोशॉप में चलते हैं। तो शाहरुख खान के लुक के लिए मैं फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर का यूज करने वाला हूं, जो कि यश राज ने रिलीज किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कॉपीराइट नहीं मारेंगे। वैसे मारना तो नहीं चाहिए। तो इसका मैं पेन टूल से सिलेक्शन क्रिएट करूंगा। पेन टूल थोड़ा टाइम लेता है, मगर जो फाइनल आउटपुट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। One hour later. तो सिलेक्शन क्रिएट हो गया है, अब लेयर मास्क ऐड कर देंगे। अब इसको ड्रैग करके मेन डॉक्यूमेंट पे ले आते हैं। अब मैं दीपिका को ऐड करूंगा। अभी वीडियो पॉज करके फोटो कोई नहीं देखेगा। ये क्या बात करता है यार? और इसको थोड़ा सा छोटा रखूंगा कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। अब इसी के जस्ट बगल में जॉन इब्राहिम को ऐड करूंगा। इसको भी क्रॉप करेंगे और इसको मैं क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये काफी आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस इमेज की क्वालिटी थोड़ी लो है, तो कैमरा रॉ की हेल्प से इसका शार्पनेस एंड लुमिनेंस को इंक्रीज करूंगा। अब ये इमेज कुछ सही लग रही है, तो इसको भी मेन डॉक्यूमेंट पे ले आते हैं। अब बैकग्राउंड में मैं दुबई की इमेज को ऐड करूंगा, क्योंकि मूवी का मेजोरिटी ऑफ पार्ट दुबई में ही शूट हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा। अब नीचे की तरफ मैं डस्ट की इमेज ऐड करूंगा। अब जो तीनों कैरेक्टर्स हैं उनको मैं नीचे से इरेज करूंगा, ताकि ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए। अब एक बार फिर से डस्ट की इमेज ऐड करूंगा, जिससे बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स और अच्छे से मैच करें। अब सभी लेयर्स पर मैं लेवल्स ऐड करूंगा, जिससे उसमें कंट्रास्ट ऐड होगा और इमेज में एक डेप्थ आ जाएगी। और अब कलर बैलेंस की हेल्प से सभी का कलर मैच कराएंगे, जिससे कि सभी लेयर्स एक ही टोन में रहे। अब जो ये स्काई है वो बहुत ही बकवास है, और इसको देख के मजा नहीं आ रहा है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा इस इमेज से। इस पर भी लेवल्स ऐड करूंगा और इस पर ब्लू टोन ऐड करूंगा। अब बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही ब्राइट लग रही है, तो इसको मैं थोड़ा डार्क करूंगा एंड इस पर भी ब्लू टोन ऐड करूंगा, ताकि बिल्डिंग और स्काई एक ही लगे। अब मैं यहाँ हेलीकॉप्टर ऐड करूंगा, क्योंकि ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, तो बिना हेलीकॉप्टर के कैसे चलेगा। इसको भी बैकग्राउंड से मैच कराएंगे और इस पर मैं मोशन ब्लर ऐड करूंगा, जिससे ऐसा लगेगा कि ये मूव कर रहा है, नॉट इन रियल बट इन पोस्टर। ओ भाई, इतना सटीक इंग्लिश। मूवी के लोगो के लिए मैं शाहरुख खान के ही पोस्टर से लोगो को क्रॉप करूंगा और यहाँ पर प्लेस करूंगा। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखेंगे। अभी ये बहुत हल्का लग रहा है, मतलब कि इसकी ओपेसिटी कम लग रही है, तो इस पर मैं लेवल्स ऐड करूंगा इसको और ब्राइट दिखाने के लिए। और अब बैकग्राउंड पर मैं ब्लैक सॉलिड कलर लेयर ऐड करूंगा और नीचे की तरफ पेंट करूंगा, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले रखेंगे। अब लोगो के ऊपर मैं ह्यू सैचुरेशन लेयर ऐड करूंगा और इसका सैचुरेशन जीरो कर दूंगा, जिससे कि ये व्हाइट कलर में हो जाएगा। अब ये बेटर लग रहा है। Nice. तो भाई लोग, अब लगभग सारा काम हो चुका है। अब सीधे चलेंगे कैमरा और फिल्टर में, और इसका कंट्रास्ट, शार्पनेस, कलर ग्रेडिंग करने के बाद फाइनल पोस्टर रिवील तुम्हारे सामने होगा। तो यार, ये था पठान का पोस्टर। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।